महाप्रभु याकूब के आशीर्वाद दिलो। जिदल दायून पिला मन बड़े होला तो याकूब के घरे रथोर अच्छा लागते रहे। मांतर एसाव के जीवदारी मन के मार तो अच्छा लागते रहे। रिबका याकूब के माया कर ली। मांतर इसाक एसाव के माया कर लो। गोटक दिन एसाव भारदी करून घरे इलो तो उन कुबे भूखे रहे। एसाव याकूब के बल लो जौन बीती के तुई रानलिसिस उताले किंडिक कातु काजे मोके बले दे। याकूब बल लो पहले मोके ये बाधा कर कि फैलौटा ओतो काजे काई बले तीज जेके तुके मिर्तो राय उन सब तुई मोके देसे। तेबे एसाव उन सब तीज के याकूब के देतो काजे बाधा कर लो। तेबे याकूब उनके खातो काजे किंडिक बात दिलो। इसाक एसाव के आशीर्वाद देतो काजे होते रहे। मांतर एचो पहले उन असन कर लो कि रिबका और याकूब के याकूब एसाव आए बोलून इसाक के ठगला। इसाक डोकरा उरे और दखुक नी सकते रहे। उन्हीं काजे याकूब एसाव चो फोटी पींद लो और बोकड़ी चो बाल के रोडरा लगले बांध लो। याकूब इसाक लगे गेलो और बोल लो मैं एसाव हाय। मैं यही काजे इले से कि तू मोके आशीर्वाद देस। जिदल दा इसाक बोकड़ी चो बाल के महसूस कर लो और फोटी के सूंग लो। ते बेहून विचार कर लो कि ये एसाव है और उनके आशीर्वाद दिलो। एसाव याकूब के रिस कर लो। कसन बोल ले याकूब ऊंचो पहले बेटा ओतो चो अधिकार के और ऊंचो आशीर्वाद के चोर लो और उन अपलो बुआ चो मोरलो पाचे याकूब के मारतो वाट कर लो। मांतर रिबका एसाव चो वाट के सुन ली। उन्हीं काजे इसाक याकूब के ऊंचो लोग बाग घरे रतो काजे कुबे दूर पटाली। याकूब कुबे बरस तक रिबका चो लोग बाग संगे रलो और उन्हीं बेरा ने बिया कर लो और बहारा बेटा के और घोटक बेटी के जन्मा लो। महाप्रभु उनके कुबे दनी बना लो। 20 बरस ले कनान ने अपलो घर ले दूर रतो पाचे। याकूब अपलो परिवार और कमिया मन और अपलो गाय बोयला छो गोहड़ी संगे उन आपस हिलो। याकूब उन्हीं काजे खूबे भयभीत रहे। कसन बल्ले उन विचार लो कि एसाव एबे बले उन मोके मारुक सके दे। उन्हीं काजे उन सब जीवदारी मन के एसाव लगे पटालो। जोन कमिया मन के दरुन एउन रला उन मन बोलला तुचो कमिया याकूब ये जीवदारी मन के तुके दे से उन जब के ऐसे। मांतर एसाव एबे याकूब के नुकसान नी करतोर चाहे से। एचो कारण उन के दखुन हरी कोलो। उन चो पाछे याकूब कनान देश ने शांति ने रहे। फिर इसाक मोरलो याकूब और एसाव उनके माटी दिला। बादा चो क्रिया जोन महाप्रभु अब्राहम के करू रहे एबे इसाक लगले याकूब लगे इली। उत्पत्ति 25 अध्याय 27 पद ले 35 अध्याय 29 पद बाइबल चो गोटो कहानी।